केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि धाम में आज पुनः बर्फबारी की शुरुआत हो गई। कल भी मौसम का अलर्ट है। सभी आने वाले यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि यात्रा करते वक्त मौसम को देखते ही चले और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट आदि को लेकर चले। जय श्री केदार। स्वागत है एक और नए अपडेट के साथ आप सभी का डिवाइन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आपने सुना रुद्रप्रयाग से ये ऑफिशियल अपडेट आया है। रुद्रप्रयाग की एसपी साहिबा ने ये अनाउंस किया है कि आज 14 मई और कल 15 मई को जो है केदारनाथ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। और ये ताज़ा नज़ारा इस समय आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम से, किस तरह से जो है दोबारा फिर स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है केदार में और बहुत ज़्यादा बर्फबारी इस बार केदार घाटी में देखी जा रही है, जिसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं केदारनाथ जी की इस बार अस्त व्यस्त हैं। तो बाबा की महिमा है, बाबा की लीला है ये सब, तो इसी के लिए जो है ये अपडेट है। तो दोस्तों, जो भी भक्त इन दो दिनों में यात्रा का प्लान कर रहे हैं, 14 और 15 मई को अगर आप यात्रा में केदारनाथ जी की आ रहे हैं, तो हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी और बारिश इस समय केदारनाथ जी में देखी जा सकती है, तो इसलिए दो दिन यात्रा में व्यवस्थित तरीके से यात्रा कीजिए। रेनकोट, छतरी, गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेके चलिएगा ताकि किसी तरह की रास्ते में आपको दिक्कत न आए। और सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट कीजिएगा, जैसे ही प्रशासन के द्वारा यात्रियों को निकाला जाए तभी जल्दी यात्रा ट्रैक स्टार्ट करके शाम तक जल्दी पहुँचिएगा ऊपर। अपने लिए रुकने की व्यवस्था केदारनाथ जी में कर सकते हैं, अन्यथा आपको काफ़ी दिक्कत ऊपर हो सकती है। इस समय महंगाई अपने चरम पे है। होटल यहाँ आपको 12 से 15 हज़ार रुपये में मिल रहा है। घोड़ा आपको 5 से 7 हज़ार रुपये में यहाँ ऊपर केदारनाथ तक लिए है। और पिट्ठू पालकी के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये इस समय यहाँ चार्ज किए जा रहे हैं। और कोई किसी को देखने टोकने वाला नहीं है। मनमाने ढंग से जिससे जैसी लूट की जा रही है वो केदारनाथ धाम के नाम पर लूट रहा है। तो ऐसा हालात है केदारनाथ धाम में। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यात्रा का प्लान कीजिए। दो दिन काफ़ी दिक्कतें मौसम की ऊपर हो सकती हैं। ये ऑफिशियल अपडेट है। 14 और 15 मई को ऊपर काफ़ी मौसम खराब रहने के अनुमान है। तो अपनी यात्रा को अगर आप पोस्टपोन करना चाहते तो पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी मई में मौसम जो है ख़राब रहने वाला है। आगे आप जून में प्लान कर सकते हैं। आगे जुलाई और अगस्त में फिर से मानसून आने वाली है। तो इस बार जो है बाबा की यात्रा बड़े कठिन और त्याग के साथ भक्त लोग जो कर पा रहे हैं। तो कैसा लगा ये अपडेट कॉमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलता हूँ ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा केदार।